और ये हम एनिमेशन इंडस्ट्री को ग्रो अप करना चाहते हैं। जनरली बहुत मेहनत होती है एक बंदे, मतलब जो एनिमेटर्स होते हैं इनको मतलब ग्रो अप करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। तो ये परिचय एनिमेशन ये एक प्लेटफॉर्म दे रही है परिचय मतलब सारे एनिमेटर्स को कि जी मतलब ये एक मूवी हम बना रहे हैं इसका, जिसका नाम है पानी लोक। पानी के अंदर शूट किया हुआ है क्या? ये 3D डिजिटल फिल्म है जो कि ये हम कंप्यूटर्स में बनाते हैं। जनरली आप लोग मूवीज देखते हो लाइव एक्शन होती है, जो कि बॉलीवुड होती है हॉलीवुड वो सारे लाइव एक्शन में बनाई जाती है, और ये जो हम बना रहे हैं डिजिटल हम बनाते हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हम सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। अभी कितना काम हुआ है इसका? ये अभी हमारा 30-40% काम हो चुका है। अभी लास्ट 4 डेज पहले हमने इसका रिकॉर्डिंग ख़त्म किया है, कल ही ख़त्म किया है। लास्ट 4 डेज हमारा जारी था, तो ये हमारे सोनल जी और संजय सर ने हमने इनके साथ किया है ये काम। सोनल जी आप बताओ किस तरह का कैरेक्टर आवाज़ दी है इसमें आपने? सर मैंने इसमें एक बच्चे के कैरेक्टर को आवाज़ दी है, जैसे पानी लोक नाम से ही आप लोग गेस कर सकते हैं। अभी हम ये ओपन एंडेड छोड़ते हैं कि पानी लोक में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये बच्चे खुद ही इमेजिन करें। और ये जो मूवी है एक्चुअली बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहेगी, क्योंकि जब मैं खुद भी आवाज़ दे रही थी और मैं एक्ट कर रही थी, वॉइस एक्टिंग कर रही थी, तो कई सारे सीन्स ऐसे थे जो बहुत जॉयफुल बहुत एक्साइटिंग सीन्स थे, बट कई सीन्स ऐसे थे कि मेरे खुद की आंखों में आंसू आ गए। तो इस फिल्म में खुशी, एंजॉयमेंट, इमोशन से भरपूर है ये फिल्म, एंड आई एम श्योर कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को यानी बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। संजय जी आप क्या कहना? बेसिकली मैं पिछले 20 साल से लाइव स्टेज कर रहा हूँ, यानी मैं मिमिक्री परफॉर्म करता हूँ। सो मोस्टली मैं बॉलीवुड एक्टर्स का जोन मेरा रहा है हमेशा परफॉर्म करने के लिए, मगर इस बार कुछ अलग करने का मौका मिला। जनरली मैंने कुछ एनिमेशन सीरीज़ किए हैं, मिसाल के तौर पर ऑगी एंड द कॉकरोचेस, जिसके 7 सीज़न कार्टून नेटवर्क पे आ चुके हैं, बहुत ही सुपर हिट सीरीज़ रही है, और सारे के सारे वॉइस उसमें मैंने किए, मगर वो बॉलीवुड रिलेटेड वॉइस थे। इसमें थोड़ा सा हटकर जोन मैंने ट्राई किया है, और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है इसकी। मैंने जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, उन्हें परफॉर्म करने की कोशिश की है, उन्हें इनैक्ट करने की कोशिश की है, और स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया है, और जो डब से पहले जो काम किया है इन्होंने, स्पेसिफिकली जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने डिटेलिंग में हमें दिखा है कि वो कैरेक्टर नज़र के सामने आ जाते हैं। उस कैरेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हमने वॉइस देने की कोशिश की है, वॉइस एक्टिंग करने की कोशिश की है। आगे चल के फिल्म के बारे में आपको पता चलेगा ही। I'm in charge of the VFX, so that's from special effects. Yeah, that's from special effects to lighting and compositing. तो हर फिल्म से स्केच से लेके कलर मूड बोर्ड से लेके यू नो प्रोग्रेस होती है कैरेक्टर डिज़ाइन से। तो जब भी लाइटिंग इफेक्ट्स एंड ऑल दे कम टू प्ले, दैट्स व्हेन यू विजुअली आइडेंटिफाई विद द मूड। इफ इट्स एनवायरनमेंट ऑफ बीइंग इन वाटर व्हिच वी आर, वी हैव एनवायरनमेंट ऑफ बीइंग ऑन लैंड, तो दोनों कैसे डिफरेंट मूड्स है, उसका लुक क्या है। फॉर एग्जाम्पल द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डस्ट इन वाटर। सो देर आर लॉट ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स दैट वी सी एवरी डे, but visually unless that's not conveyed you will not know the difference of how water handles light and how the outdoors handle light. So from lighting to visual effects to cloths, everything I come in. मैं अविनाश पासुकर, मैं और मेरा म्यूजिक पार्टनर है मंदीप, हम मिलके इस मूवी को जो भी वी आर रिप्रेजेंटिंग बेसिकली सोनिकल एक्सपीरियंस, जो साउंड होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। तो इस मूवी के जो इनसाइट्स मैं बताना चाहूँगा हमारी तरफ से ये है कि पहली बात तो सुनील जी ने क्लियर कर दी कि ये बच्चों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एवरी ग्रुप ऑफ पीपल। सो हैविंग सेड दैट, इट क्लियरली मीन्स दैट द म्यूजिक इज़ नॉट गोइंग टू बी टॉम एंड जेरी स्टाइल, इट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रिलेट टू अ किड, इट इज़ गोइंग टू बी लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ सीन्स वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ सिम्फनी हैपनिंग, देयर इज़ लॉट ऑफ एक्वेटिक मोमेंट्स हैपनिंग। और इस फिल्म में दो गाने हैं, जैसे हम इसको इंटरनाइज कर रहे हैं, इसको अभी इंटरनेशनली भी ये ट्रेंड में आ गया है कि म्यूज़िक के थ्रू गाना स्टोरी बताया जाता है।
तो जैसे हमारे राइटर साहब ने लिखा है उसमें मुझे लगा कि म्यूजिकल प्रोग्रेसिव म्यूजिक से आगे कहानी बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव था। जैन जी ने ऐसा स्टोरी राइटिंग की है तो हमारा पार्ट यहाँ पे थोड़ा हमको मेजर लगा। और आई थिंक हर टेक्नीशियन का एक स्टैंड पॉइंट होता है कि हम जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए एक बैकबोन है। बैकबोन सपोर्ट होता है, ऐसी इमोशनल सपोर्ट सबको हर कोई देता है, बट जो फाइनेंशियल फंडिंग होती है उसके लिए इफ़ यू वांट अ मेगा साउंड इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। आई थिंक हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने ही अंडरस्टूड दैट होल स्केलेटन कैसे बनता है। सो ही इज़ बीइंग वेरी इंक्विजिटिव, लाइक ए किड, ही कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही अंडरस्टैंड, तो उनको भी पता है। सो इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे साथ स्टार्स हैं, वॉइस भी हमने ऐसे ही नहीं किसी को ले लिया जो प्रो है इस गेम में, तो उनको हमने इन्वाइट किया था वॉइस के लिए। तो दो गाने हैं हमारी तरफ से अगर बताया जाए। म्यूजिक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इफेक्ट से लेके सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो डबिंग भी हम लोगों ने हैंडल किया। तो उस दौरान आई थिंक दो गाने हैं जो मूवी के इंसिडेंटल कुछ भी नहीं है, जैसे कहानी ग्रो होती है सिचुएशन के हिसाब से दो गाने बनते हैं। और आई थिंक रेस्ट ऑल इज द स्कोरिंग दैट वी डन। जैन जी, कितना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है एनिमेशन फिल्म लिखना? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज जैन गुप्ता, आई रिटन दिस स्टोरी अलॉन्ग को राइटर नितिन शर्मा। डेफिनेटली आप इंडियन सिनेमा इंडियन कॉन्टेक्स के हिसाब से बोलेंगे तो काफ़ी चैलेंजिंग था। मैं फिल्म स्कूल से पास आउट हूँ स्क्रीन राइटिंग में, तो हमारे यहाँ पे एनिमेशन की स्क्रीन राइटिंग नहीं बताई जाती है। तो एक्चुअली मेरा 2 से 3 महीना तो गया ये स्टडी करने में कि व्हाट आर दी ग्रामर, हाउ टू राइट द एनिमेशन फिल्म। उसके लिए वी रेफर टू पिक्सर की मूवीज़, देन वी अंडरस्टैंड द नियॉन्स, हाउ टू राइट एंड हाउ टू राइट अ एंगेजिंग टेल फॉर एनिमेशन। अलॉन्ग विद दैट जो हमने पिक्सर से मैंने जो लर्निंग लिया कि वो हर एज ग्रुप के लिए फिल्म बनाते हैं, सो इट्स नॉट ओनली फॉर किड, दे कैटर टू द एंटायर जनरेशन, इवन वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो वही हमने अटैम्प्ट किया। और लास्टली आई वुड लाइक टू से कि जैसे कंप्लीट मील होती है वो इसमें वेलकम ड्रिंक भी होता है, सूप भी होता है, स्टार्टर से लेके डेजर्ट होता है, सेम हमने भी वही कोशिश की है कि इसके अंदर हम लोग एक इमोशनल एक्सपीरियंस दे सकें जिसमें आपको लाफ्टर भी हो, इमोशंस भी हो, ड्रामा भी हो, कॉमेडी भी हो। डायलॉग कर सकती हूँ? ओके, तो सर मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इसमें प्ले किए हैं, लेकिन एक जो बहुत ही क्यूट हमारा कैरेक्टर है, ओके, पंजाबी वाला कर, बहुत अच्छा पंजाबी वाला, ओके। तो इसमें जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और मैंने कौन कौन से कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। एक कैरेक्टर है जो एक फिश है एक्चुअली, और वो बात करता है और वो पंजाबी एक्सेंट में बात करता है। तो वो कैसे बोलता है, ओए बल्ले बल्ले मज़ा ही आ गया यार, चल चल बहुत मज़ा करेंगे, मेरे साथ चलना, ओए होए उदास क्यों बैठा है यार, मैं कह रहा हूँ ना चल मेरे नाल, समथिंग लाइक दिस। और जो पहले भी एक बार किया था, हाँ, एक मछली है जो बहुत फास्ट फास्ट मूव करती है और बहुत चुलबुली है, तो वो कहती है आज तो बहुत मजा आ रहा है, पानी लोक में आ गए हैं, वाह वाह वाह, सब लोगों को लेकर आएंगे, आप लोग भी जरूर आना और देखना ना भूलना पानी लोक, स्टे ट्यून्ड। संजय जी, आप भी थोड़ा कुछ बेसिकली जैसे मैंने कहा कि मैं लाइव शोज में परफॉर्म करता हूँ, फिल्म एक्टर वॉइस मेरा फोर्टे रहा है, मगर इस फिल्म में स्पेशली मैंने अपने जोन से हटकर कुछ कैरेक्टर्स प्ले करने की कोशिश की है। फिलहाल मैं उसी में से किसी कैरेक्टर को रिवील नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पानी लोक के बारे में बोलूँगा और वो आपको बताएंगे मुन्ना और सर्किट। ए सर्किट, चल पानी लोक चलते। भाई अपन ने स्वर्ग लोक सुना था, नरक लोक सुना था, भूलोक सुना था, पाताल लोक सुना था, ये पानी लोक क्या है? अरे पानी लोक वो जगह जहाँ पे सैकड़ों हजारों मछलियाँ एक साथ रहती है, और पानी लोक की इस दुनिया को, पानी लोक की इस दुनिया का परिचय आपसे कराने वाले हैं परिचय एनिमेशन। बोले तो भाई ये लोग कुछ एनिमेशन फिल्म बनाने वाले क्या? करेक्ट भाई, तो इस फिल्म में
एक्शन होगा, इमोशन होगा, कॉमेडी होगी, ट्रेजेडी होगी और ड्रामा भी होगा। करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो भाई जल्दी से रात के शो में चलते हैं ना। अरे ये डा हो गया क्या, अभी तो सिर्फ डबिंग खत्म हुए है, एनिमेशन म्यूजिक बाकी सब बाकी है। तो भाई फिल्म रिलीज कब होएगा? अरे बहुत जल्द, स्टे ट्यून। ओके, थैंक यू। वहाँ वो कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है पता, लोग सुना, मैंने सुना था वो डायलॉग, बहुत खूबसूरत डायलॉग इन्होंने बताया और उस डायलॉग्स को मैं सुन रही थी कि रियली पानी लोग के ऊपर कुछ नया बनने जा रहा है एंड दैट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी। और असम से हैं अंकित दे, तो हम आज मिले पहली बार हैं, लेकिन हमारे जो PR वहाँ पे है उन्होंने बोला इन्हें एंड इट हैपेंड और आज सारी टीम आप सब यहाँ पर इन्हें कवर कर रहे हैं। इनको वी हैव टू लाइक मेक दिस फिल्म गुड पब्लिसिटी ताकि लोगों तक पहुंचे और इसका प्रचार बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट है, एनिमेशन के थ्रू आया। थैंक यू। ओके ना, आई सेड कोई इशू।